कोरोना के दौरान महावितरण द्वारा पूरे राज्य में अनाप शनाप बिजली बिल भेजे जाने से नागरिकों में भारी रोष है। नागरिकों द्वारा बिजली बिलों के सुधार के लिए निरंतर मांग के बावजूद महावितरण द्वारा किसी भी तरह की उचित कार्रवाई नहीं देखते हुए देश प्रदेश भाजपा नागरिकों के न्याय एवं सम्मान के लिए 23 नवंबर की सुबह 11 बजे महानगर के सभी चौराहों पर बिजली बिलों की होली जलाकर सरकार को कुंभकर्णी नींद से जगाने का प्रयास करेगी। प्रताप नगर थाना अंतर्गत पत्नी को बिना बताए दूसरी शादी करने पर महिला ने दूसरी पत्नी यानी सौतन पर पेट्रोल डालकर जलाने का प्रयास किया। यह घटना शनिवार की दोपहर 4:30 बजे अंबाजरी रोड VNIT के सामने स्थित भरोसा सेल में घटी। ठंड अब तेजी से बढ़ने लगी है। संडे को न्यूनतम तापमान सीधे 6.4 डिग्री नीचे आ गया, जिससे अचानक ठंड भी बढ़ गई। शनिवार को मौसम विभाग ने सिटी का न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया था, लेकिन दूसरे ही दिन यानी 24 घंटों में यह काफी नीचे आ गया है। सिटी में भले ही कोरोना महामारी के चलते 23 नवंबर से शुरू होने वाली शालाओं को अब 13 दिसंबर तक बंद रखने का फैसला मनपा आयुक्त ने लिया हो, लेकिन जिले में ग्रामीण भागों में 9वीं से 12वीं कक्षा की शालाएं 26 नवंबर से शुरू की जाएगी। पूरे 7-8 महीने कहर बरपाने वाली कोरोना महामारी का कहर फिर दोबारा बढ़ने लगा है। रविवार को आई रिपोर्ट में जिले में 485 पॉजिटिव मिले हैं। चिंताजनक यह है कि इसमें से 416 सिटी के हैं, 68 ग्रामीण भागों के हैं और एक जिले के बाहर का है। महात्मा फुले किसान कर्ज मुक्ति योजना अंतर्गत फसल कर्ज की नियमित वापसी करने वाले किसानों को 50,000 की प्रोत्साहन धनराशि पर अनुदान देने का निर्णय राज्य सरकार की ओर से लिया गया था, किंतु अभी तक बहुत से ऐसे किसान हैं जिन्हें अनुदान राशि नहीं मिली है। रेलवे बोर्ड की ओर से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के सिग्नल व दूरसंचार विभाग को सम्मानित करते हुए वर्ष 2019-20 में किए गए उत्कृष्ट कार्य व उपलब्धियों के लिए शील्ड प्रदान की गई। वर्ष 2019-20 में विभाग ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का कार्य MSDAC जैसी अत्याधुनिक तकनीकी के साथ किया गया, जिससे सिग्नलिंग की विश्वसनीयता तो बढ़ेगी, साथ ही ट्रैकों पर रेल परिचालन बेहतर हो सकेगा। बिलासपुर जैसे बड़े यार्ड में भी ट्रेनों का दबाव भी कम होगा। शहर में पुनः सुअर की त्रासदी बढ़ने के कारण अब लगातार आ रही शिकायतों को देखते हुए पुनः सुअर पकड़ने का अभियान जल्द ही शुरू होने की जानकारी पशु वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर महल ने दी। राज्य सरकारी कर्मचारी व शिक्षकों की विभिन्न प्रलंबित मांगों की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करने 26 नवंबर को सांकेतिक हड़ताल की घोषणा की गई है। हड़ताल में कर्मचारियों से शामिल होने का आह्वान विदर्भ पाट बंधारे कर्मचारी सहकारी संस्था कार्यालय के प्रांगण में हुई बैठक में किया गया। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में आयोजित वर्चुअल इंटरनेशनल रनिंग 2020 में शहर के आयरन मैन रविंद्र तिवारी को चतुर्थ स्थान मिला। 60 से 65 वर्ष आयु वर्ग के तहत उन्होंने 10 किलोमीटर की दौड़ 55 मिनट में पूरी कर यह सफलता प्राप्त की।